12:15 पे तबस्सुम फातिमा बोल के एक बच्ची हाफिज बाबा हाफिज पाशा के ऊपर कंप्लेंट दी कि उन्होंने मुतवली है उधर अहमदाबाद के दरगाह के सदर है, वो उनके ऊपर कंप्लेंट दी कि मेरे को शादी कर ले तुम बोल के बोले, शादी नहीं कर लिए, कल शाम में एक फंक्शन हॉल खोली चुकी मैं शादी था, शादी पर नहीं आया उन्होंने बोल के मेरे को ऐसा चीट करे बोल के उन्हें कंप्लेंट दिया, उसके ऊपर हम केस दर्ज करें और इंक्वेस्ट कर तहकीकत कर रहे हैं। నిన్న రాత్రి 12:15 తబస్సుం ఫాతిమా అనే అమ్మాయి లంగరోజ్ పోలీస్ స్టేషన్కి రావడం జరిగింది. ఆమె ఒక పిటిషన్ ఇచ్చింది, అందులో హఫీజ్ పాషా అని చెప్పేసి నెల్లూరు రమతాబాద్ దర్గాకు చెందినటువంటి చీఫ్ అని చెప్తున్నారు. అతను ఆమె దగ్గర 3 సంవత్సరాల నుంచి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటానని చెప్తున్నది. ఆమె ఆ విషయంలో నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పినాడు. ఆమెకు 3 సంవత్సరాల నుంచి పరిచయం ఏర్పడింది నాకు. అతను నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పినాడు. పెళ్లి నిన్న 11th రోజు ఉండే ఈ టోలీ చౌకి దగ్గర ఒక ఫంక్షన్ హాల్, అతను రాలేదు. ఆ రాకుండా అతను హాస్పిటల్లో పోయి జాయిన్ అయిపోయాడు, ఆరోగ్యం బాగలేదని చెప్పి డేట్ ఎక్స్చేంజ్ ఇస్తున్నాడు. దాని మీద అతని మీద లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పి ఆమె పిటిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని ప్రకారంగా మేము ఎఫ్ఐఆర్ చేసినాము, అతని గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాము. పట్టుకొచ్చి యాజ్ పర్ లీగల్ సెక్షన్ ఏముంటుందో యాజ్ పర్ చట్ట ప్రకారంగా అతని మీద చర్య తీసుకోబడుతుంది. मेरा नाम तबस्सुम है, मैं हैदराबाद में MD लाइन से हूँ. मैं ट्रीटमेंट के लिए रहमताबाद गई थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी वहाँ गए वक्त. लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ पे जो गद्दी नशीन है, हफीज़ पाशा उनका नाम है, उन्होंने हम लोग के साथ फ्रॉड करे. उन्होंने ऐसा बोले कि तुम्हारा ट्रीटमेंट शादी है बोल के मेरे पीछे पड़ गए थे. 3 साल से उन्होंने मेरे को शादी करते बोल के पीछे थे. मैं फिर उन्होंने बोले कि ट्रीटमेंट तुम्हारा शादी है बोले, तो हम लोग एग्री हो गए उस बात पर कि ठीक है. मेरी ज़िंदगी के लिए बोल के मेरे माँ बाप परेशान थे, पापा को भी शुगर आ गई थी, डायबिटीज़ हो गया था, और मम्मी की भी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही थी मेरे लिए परेशान होकर बोलकर मैं एग्री हो गई उस शादी के लिए. आज जब डेट फिक्स हुई तो उन्होंने आज शादी के दिन नहीं आए, किसी को मालूम हो गया क्या हुआ नहीं मालूम. लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा आज 11 फेब है, तो आज 11 फेब के लिए 11 फेब को आज ही थी शादी जी. हाँ, और कल वलीमा था, तो दोनों भी बैंक्वेट हॉल बुक हो गए थे, सब रिलेटिव्स में मालूम हो गया था शादी है बोल के. लेकिन वो आज नहीं आके हॉस्पिटल में, प्राइम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए. तो प्राइम हॉस्पिटल में जब हम लोग काउंटर पे कॉल करे तो वो लोग कनेक्ट करे कॉल कि हम लोग ऐसा बोले कि हम लोग उनके रिलेटिव्स है बोल के जब कॉल करे हफीज़ पाशा की कंडीशन कैसी है वगैरह पूछने के लिए, तो वहाँ पर कोई सूरज नाम के फ़ोन रिसीव करे करके बोले कि उन्हें नॉर्मल है, उनकी ECG इको सब नॉर्मल आई, सिर्फ नीज पेन है उनको बोल के बोले. फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है बोल के बता रहे बोल के, ऑब्जर्वेशन में रखे बोल के बोले. उन्हें नॉर्मल थे फिर भी उन्होंने आज शादी के लिए नहीं आए. ये मेमोरिया बैंक्वेट हॉल शेखपेट पे करे थे, ये शेखपेट पे है कराची बिक्री के ऊपर. ये शादी का कार्ड है, इनविटेशन कार्ड है. अभी हम लोग चाह रहे कि कोई दूसरी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना जो मजबूर होके वहाँ पे इतनी बड़ी जगह जा रहे शिफा के लिए, उन्हें वहाँ पे जाने के बाद ऐसा यूज़ कर रहे इंसान का, यूज़ करके उनको तकलीफ़ में डाल दे रहे उल्टा. अब आगे अगर मेरे को या मेरे माँ बाप को कुछ होंगे अगर सोच के, तो उसके ज़िम्मेदार उन्हें होंगे. और उन्हें धमकी भी दिया कि मेरी शादी कहीं और नहीं होने देते बोल के. मैं उनकी एज 50 ईयर्स है और मेरी एज 18 ईयर्स है. मैं उनको समझाई भी कि नहीं करो ऐसा, कहीं को बोले तो आपकी भी बदनामी होती मेरी भी होती. मेरे रिलेटिव्स में कोई भी एग्री नहीं करते इतनी बड़ी एज वालों को देने के लिए बोले. तो उन्हें बोले तुम्हारा गरज है, तुम मेरे लिए मेरे को करना बोले तो तुम्हारा ट्रीटमेंट होता बोल के बोले. बोल के मेरे को शादी के लिए एग्री करा लिए. कराने के बाद जब एग्री हो गया आज उन्होंने नहीं आए शादी खाने को. पूरा पेमेंट दिए थे शादी खाने, पूरा पेमेंट सब वेस्ट चले गया हम लोग का. और पेमेंट के अलावा, पेमेंट छोड़ो, रिलेटिव्स में हम लोगों की रेस्पेक्ट थी वो चले गई. ख़राब कर दिए उन्होंने, मेरे को बहुत सताए, मेरे को बस इंसाफ चाहिए इनसे. ठीक है, उस पर मेरे को बहुत ज़्यादा डराए उन्होंने, बस मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं. खास करके हमास पे मिली, बहुत डर होता था.